सखी। हाँ सखी। जय माता। जय माता दी। और सब ठीक है? हाँ सखी सब ठीक है, बस माता जी की कृपा है। हाँ, और माता जी के साथ नवरात्र के 9 दिन चलत है और हम लोग नवरात्र के वर्तमान शायद कार्यक्रम में भी आवागा है नहीं, तो विशेष ही नवरात्रि के उपलक्ष्य में श्रोता आप लोग भी जान गवागा हुई कि आज हम लोग विशेष नवरात्रि के में रहा जाए, तो ये नवरात्रि के उपलक्ष्य में आप लोग भी आप लोग का हार्दिक मंगल में शुभकामना है और दशहरा के भी हार्दिक मंगल में शुभकामना। ऐसे घर परिवार में आप लोग के सुख समृद्धि छाई रहा है, हमेशा बनी रहा है और आप लोग के घर परिवार में हमेशा माता रानी के वास रहा है। माता रानी आपके हर मनोकामना पूर्ण करें। हाँ हाँ सखी। हाँ सखी, अब ज्यादा शांत है हम लोग है नी, और कार्यक्रम में आएगा वागा है हाँ, और शांत के वजह है कि जैसे तो फिर सखी आज थोड़ा देर भी होई है ना। हाँ तनी अब का किया जाए, पूजा पाठ के टाइम है ना, अब का नवरात्र में सब लोग जानते हैं अभी से 9 दिन चला था नवरात्र के और पूजा पाठ के समय है, इस समय कुछ थोड़ा बहुत हम लोगों का देर हो गया है, उसके कहते क्षमा चाहा जाते हैं। अब आज के कार्यक्रम घर के अंगनामा हम लोग आप लोग के समक्ष आएगा वागा है, तो 1 बजे से 3 बजे तक श्रोता लोग और संपूर्ण सखी लोग साथ दिया जाए और कार्यक्रम आप लोग सुनते रहा जाए। हाँ। और 3 बजे के बाद हम आप लोग से विदाई लेबे और साथ ही आप लोग के कार्यक्रम कैसे सुना जाते हैं, का है, का कमी कमजोरी है और का बढ़िया है, ये सब चीज़ें आप लोग कमेंट द्वारा भी हम लोग का दे सका जाता है। हाँ। और ऐसे ही कमेंट के लिए तो जो है FM के है ना सखी। हाँ FM के सारे FM के फेसबुक पेज है साथी। हाँ। उमा ये प्रोग्राम पोस्ट होते हैं जो है हो सकता है शाम के ही पोस्ट हो सकी है ना या दूसरे दिन, मतलब जब भी पोस्ट हुई है तो उमा आप लोग देखा जाइए और सुना भी जाइए भाई, देखा जाइए सुना जाइए देख के कमेंट करा जाइए, शेयर भी किया जाइए है ना। हाँ। सखी शेयर करे से तो मतलब अब का है कि आप लोगों के का है समस्या वो भी आप लोग बता ही सका जाते, लाइक करा जाए। तो आज के विशेष नवरात्रि के उपलक्ष्य में और नवरात्र के 9 दिन माता जी के चारों तरफ चहल पहल है सके नहीं, जहाँ जाओ गली गली में खाली भजन माता जी के गीत संगीत सुनने को मिलते हैं और माता शेर पर सवार हुई के हर जगह मूर्ति उनके देखने को मिलते हैं, दर्शन करने को मिलते हैं, तो ये जो समय है इस समय का ना गवावा जाए, आप लोग भी भक्ति श्रद्धा में भरपूर मजा लिया जाए और साथ ही सहयोग करा जाए। और 9 दिन के बाद तो फिर थोड़ा सुनसान लागे ला तो जब माता जी के विदाई होते हैं, तो तब तक हम लोग के जत्ता हो सके वत्ता हम लोग पूजा पाठ करा जाए और साथ ही उनके साथ दिया जाए और माता जी के हंसी खुशी विदाई करा जाए, तो यही विदाई करा जाए और जो है माता जी के पूजा अर्चना किया जाए। हाँ। और माता जी हम लोगों के घर घर में है। हाँ आगमन उनका उनके हुआ है तो घर घर में है माता जी। तो सखी एक बार बताए दी कि साथी आप लोग ये कार्यक्रम का ऑनलाइन मार्फत भी सुन सका जाते। हाँ। तो ऑनलाइन मार्फत आप लोग सुन सका जाते krisarfm.com में यहाँ प्रोग्राम का सुना और साथ ही सखी यू तो है कि हर महीना के प्रत्येक हफ्ता हम लोग कार्यक्रम चलावा जाते हैं, लेकिन महीना के जो अंतिम शनिवार पड़त है वहाँ हम लोग फोन इन कार्यक्रम चलावा जाते हैं। तो फोन इन कार्यक्रम में प्रत्येक दिन तो हम लोग फोन नहीं करा मतलब नहीं रिसीव करा जाते या नहीं दिया जाते लाइन, फिर भी महीना के जो अंतिम शनिवार पड़त है वहाँ प्रत्यक्ष हम लोग का बाकायदा सखी लोग आप श्रोता लोग हम लोग का फोन कैसे कहा जाते हैं, बात कैसे कहा जाते हैं, कार्यक्रम के भी बात कैसे कहा जाते हैं और साथ ही आपके कोई कला है कोई खूबी है तो आप वहाँ सुनाई भी सका जाते। हाँ हाँ और सखी के भी संख्या ज्यादा हुए फोन में। हाँ तो अब चिंता का है, धीरे धीरे सखी बढ़े भी लागी हैं, संख्या भी बढ़े लाग है, खुशी हम लोग का खुशी भी लागत है कि आप लोग अति कार्यक्रम ध्यान से सुना जाता है और हमार दुई जना के सखी के जो नोक झोंक है वो थोड़ा व्रत के कारण उपवास के कारण कुछ हम लोग शांत हैं, आप लोग समझ गवागा हुई कि आज तनी शांत काहे रहा जाते सखी। हाँ। का बोलते हैं माता जी के दिन है ना, 9 दिन रात्र चलत है, झगड़ा ना करे चाहिए शांति बनाए रखे चाहिए, संदेश यही देख चाहिए कि झगड़ा ना करा जाए और अच्छा से मिलजुल के त्योहार का मनावा जाए। अच्छा। और झगड़ा करे के तो बाकी दिन तो है ही है। हाँ, है ना। हाँ, बाकी दिन तो है ही है, ठीक है। तो फिर सखी चला जाए हम लोग अब सखी चला जाए व्यापारिक विश्राम की तरफ, कहा कि बहुत देर भी हुई हुआ व्यापारिक। हाँ, समय भी हुई हुआ। हाँ। तो फिर व्यापारिक विश्राम के बाद प्यारा सा गीत संगीत की तरफ, ठीक है श्रोता आप लोग व्यापारिक विश्राम के बाद कार्यक्रम सुनते रहा जाओ, गीत संगीत के साथ आज माता जी के भजन गीत संगीत से एंजॉय करते रहा जाए। सखी अभी पूरी हलवा न खवाओ, अभी तो उपवास है, अष्टमी के दिन खवाओ का तो माता जी तो सदे तो माता जी उस दिन तो माता जी नौ कन्या के रूप में घर में ही है, वही समय पूरी हलवा खवाओ एक परी। हाँ। और भाई कन्या भी खवावा जाते है तो अभी से आप पूरी हलवा के जो हमका याद दिलाई दी जो है ना सखी, अरे बोले तो दे हो याद दिलाओ दी हो बहुत बढ़िया की हो। हाँ ठीक है समझ गयो। अब देखो अब तो कह रहे हो कि शांति तरीका से रहा है कि झगड़ा नहीं करे है, अब हम तो जब अब यही कहे वाले रहे
लेकिन दिमाग में है अभी आपके ना कि कहा जात रहे नोक झोंक हो जात रहा है देखो, लेकिन आप थाम लियो, हम थाम दिन के बाद बोल दियो, हम उल्टा नहीं बोले जात रहा आपके, ठीक सोच होई गा रहा है जो हम सोचे रहे ना, जो हम कहे जात रहे वो आपे कह दियो, झगड़ा वाला बातें ही झगड़ा ना करबे आज, आज झगड़ा बिल्कुल नहीं करेंगे माता जी, माफ करो माता जी, आप आज देखियो कि देखो झगड़ा बिल्कुल ना करा जी हम, और माता जी ऐसा है कि हम लोग झगड़ा तो बिल्कुल ना करा जी हम दोनों सखी लोग, बल्कि आप आशीर्वाद दियो कि हमारे लोगों के सखी के साथ हमेशा दोस्ती बरकरार रहे, साथ बरकरार रहे, है ना सखी, जरूर कहे ना माता जी के आशीर्वाद भी रहे हमेशा, और संपूर्ण श्रोता लोग आप लोग के सखी जो हम लोग के हैं, आप लोग के प्यार ऐसे हमेशा बना रहा है, और हम लोग के सुमधुर जो संबंध है हमेशा ऐसे कार्यक्रम के द्वारा चलते ही रहा है। तो जो नवरात्रि है, नवरात्रि के उपलक्ष में हम लोग जो बात करे वाले हैं, तो सखी जैसे 9 दिन के तो उपवास रहा था, और माता जी के 9 दिन के कहते हैं रूप अलग अलग रहा था, रूप अलग अलग रहा था, और जो है 9 देवी की शक्ति मतलब अलग अलग तरीके से, हाँ और वैसे भी तो है माता एक ही, हाँ लेकिन जो अवतार लिहिन ना, हाँ, अवतार नौ अवतार के रूप में ये नवरात्रि के नाम भी पड़ा है। तो नवरात्रि में माता जी के 9 रूप अपन जो रूप धारण करना है वो कई में व्याख्या है, और साथ ही जो माता जी के उपलक्ष में जो घटा स्थापना करा जाते हैं, कलश रख के व्रत शुरू करा जाते हैं उपवास, तो ऐसे जगह जगह में साहित्य अनुसार कलश रख के स्थापना करा जाते हैं, और जो मूर्ति आई है मूर्ति के स्थापना होते हैं, और 9 दिन के बाद जैसे उनके शुभ दिन देख के उनके विसर्जन भी करा जाते हैं। तो ये 9 दिन में हम लोग कई प्रकार के देखो कई प्रकार के उपवास के तरीका भी अपन अपन श्रद्धा अनुसार अलग, हाँ, है माता जी के भोग भी वही मेरे के लगत भी है लगत है, हाँ। और जैसे सहज रूप से जे कुछ नहीं जाना था कहा था कि हमका दुनिया के तामझाम से नहीं मतलब है, वो अपन सवेरे जल्दी उठा अपन नहाए धोवाए पूजा पाठ कही के है नी अगरबत्ती लगाए के भोग लगाए के आरती कही के भी अपने तरीका से भी उपवास उपवास तो उपवास सखी, हाँ सखी झूठ तो बोल नहीं सका जाते भाई, झूठ बोला पाप है ना, झूठ नहीं बोले है, झूठ बोला पाप है, हाँ। ये तो आप सही बात कहे हो, हाँ। लेकिन लोग समझत कहाँ है नहीं पाप है, हाँ? नहीं समझते फिर भी झूठ पे झूठ बोलते चाहते हैं, लेकिन हम बोले ना जात रह सके, हम ही कहा जात रहा है देखित रहा, हम कहे जात रहा कि चुप हो गए रहे ना, अच्छा तो वही मारे हम हंसे रहे कि काहे चुप हो गवा गया है सखी, कहे के बाद फिर चुप हो गवा गया हम जाना तो सखी हम काहे हंसित रहे, हाँ काहे हंसित रहे हम ही मारे हंसित रहे ना, आप जब कहे ना ही हो दशहरा घूमे चला जाये, अच्छा। और दूसर बात ये है मूर्ति भी देखे जावा जाये का, हाँ। तो हम वही कहे वाले तो हम कहें कि अब चले लाओ देखी सखी से कही, हाँ। मूर्तियों देखे जावा जाये, भंडारा भी मा जावा जाये का, अब 9 दिन अभी टाइम कहाँ बार बार आवत है, हाँ। और वैसे भी दशहरा के बाद उपवास भी खत्म हो जाते हैं, उपवास भी खत्म तो हो जाते हैं, मूर्ति विसर्जन में माता जी के विदाई भी करे जावा जाते हैं, और प्रसाद भी खावा जाए, प्रसाद भी खावा जाते हैं, हाँ ये बात तो बहुत दूर दूर के आदमी आमत है सखी, तो सही बात है, अब जैसे माता जी के हर जगह मूर्ति रहा था ना, तो जहाँ जहाँ से माता जी के निकलत है, अब कोई कहाँ माता जी का किमा सवार करके निकालत है, उसके बाद प्रसाद बांटत चलत है, माता जी की जय जयकारा होते है, और एक साथे साथे पीछे पीछे हम लोग सब जना ऐसे हमारे लोग के तना छोटे छोटे बच्चे से लगाए के बूढ़े तरह सब कोई उनके विदाई करे निकलत है, ओके अच्छा, बाद निराश भी रहा जाते हैं कि 9-10 दिन के बाद माता जी के विदाई होते हैं, ओके बाद सुनसान हो जाते हैं, जैसे हमने सखी अब कहत रही हैं कि सखी बाद में बड़ा सुनसान हो जाते हैं, सुनसान हो जाइए ससमा, हाँ। और जब विदाई होए लगा था तो अंतर से अंदर से जो है आत्मा भी गमगीन, हाँ, हो जाते हैं, गमगीन भावुक हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं कि माता जी हम लोगों का अब छोड़ के अपने स्थान पर जाती जा रही, लेकिन माता जी जात नहीं है, माता जी हमेशा हम तो है हमेशा हम लोग घर घर में बास रहा थे उनके, बस ये है कि हम लोग उनके जो 9 दिन के जो उपलक्ष में 9 प्रकार के जो उनके स्थापना करके पूजा पाठ करा जाते है, उसका एक पर्व के रूप में माना जाते है कि हाँ अब नवरात्रि शुरू है, 9 दिन पूजा पाठ करके उनके अब 10वां दिन तो दशहरा रहा थे, 11वां दिन दिन देख के उनके विदाई करा जाते है, उसके बाद तो पूजा पाठ घर के तो फिर सब कोई अपने घर में सवेरे संध्या पूजा पाठ दिया तो करते हैं, लेकिन कहा नहीं जाते ये नवरात्रि एक तो चैत वाला नवरात्र और एक ही असोच वाला नवरात्र जो कुंवार के रहा थे, ये दोनों बड़े भव्य रूप से मनावा जाता है, लेकिन सखी एक बात ना सुने हो, एक कहावत ना होए
मतलब है बात जो है, पहले आप कहो तब हम सुनी। अच्छा, हम कहावत भी न होए बात भी होए तब आप कुछ कहो। हाँ ठीक है। हाँ, जैसे कि माता जी के जब जन्म भवा रहा है वैष्णो देवी माता के, तो जब भवा रहा है तो ये नवरात्र के ही महीना माँ वो अपने मई के माँ आवत ही। हाँ, सुने माँ तो यही आवत है। अब जो पुराण अनुसार है ना, पौराणिक कथा अनुसार यही सुनिंग मिलत है कि माता जी 3 दिन अपने जो है मई के माँ आवत ही। वैसे तो उनके 9 दिन शुरुआती से घट स्थापना तो अपने घर घर माँ सबके वास हो जाते, माता जी आए जाती, लेकिन जब पट्टी खुलत है आँखी के माता जी के, तो सुने मैया कि सप्तमी से सप्तमी अष्टमी नौमी ये दिन माता जी अपने मई के माँ आवत ही। इसके बाद जब विसर्जन होत है, जहाँ उनके जन्म हुआ है वहाँ पर आवत ही, तो जहाँ विसर्जन तब बाद में विसर्जन वाले दिन चली जाती। ये बात है, यानी कि माता जी तीन सप्तमी से जो पट्टी खुलत है, वैसे भी हाँ कहा भी गया है, सखी याद दिलाए हो कि मूर्ति स्थापना तो होत है लेकिन माता जी की आँखी पर पट्टी बंधा रहा था, लाल पट्टी बंधा रहा था। पूजा पाठ होता है, सब होता है, आरती होता है, लेकिन सप्तमी के दिन मतलब महाआरती करके सब करके उनके पट्टी खोला जाते। आपके कथा अनुसार हम भी आज सुने हैं कि जैसे पट्टी खोलने के बाद माता जी का वो जो 3 दिन के होते वो मई के माँ वास करती है, जहाँ उनके जन्म हुआ है। तो ठीक वही ये कथा अनुसार भी हम भी सुने हैं सखी। अब सुना जाते है कई प्रकार के प्रौणी कथा अनुसार कई प्रकार के आवत है। हाँ, फिल्म में भी वैसे भी जब देखा जाते की पट्टी खुला था तब बड़ा अच्छा लगा था, वो भी देखे करते बड़े हम लोग उत्सुक रहा जाते कि आज उनके आंखें के पट्टी खुली। और पता है सखी, जिसे जहाँ पर कीर्तन वगैरह होते हैं, जहाँ जागरण होते हैं, जागरण होते हैं, तो वहाँ पर माता जी खुश होके दर्शन भी देती। जैसे जो गाना होना जो गावा जाते हैं रात में, तो जागरण होते रात के और कीर्तन होते, तो उमा खुश हो जाती, माता जी खुद आई भी जाती, तो खुशी से आई जाती। तो 3 दिन तो माता जी रहते ही हम लोगों के घर घर में रहती है, और साथ है कहा नहीं सकी पसंद है। हाँ, भजन कीर्तन तो जते कहत नहीं है कि मेहनत से मतलब कहा अब हल्ला के मतलब ऐसा हल्ला ना है, फिर भी जते हम लोग ताकत से अपने हिसाब से जैसे भवा खंजरी भवा मंजीरा भवा हारमोनियम भवा या ढोलक भवा ये सब चीजें बाजा गाजा के साथ जते भजन करा जाते है वते माता जी प्रसन्न रहते और खुशी से भी घूमे भी लागत। हाँ, और उसके बाद अष्टमी के दिन सकी उनके गोद भराई होते सुहाग के हर चीज उनके चढ़त है, जैसे साड़ी भवा मानी सिंदूर भवा बिंदी भवा सुहाग के समान है नी, चूड़ी से बिंदी से लगाए के हर चीज उनके गोद भराई करा जाते है। तो गोद भराई जब करेक्ट टाइम में भी देखा जाए तो अत्य बढ़िया लागत है कि नियम से ऐसा लागत है कि भी माता जी तुरंत बोल दे हैं। तो ऐसा होते है उस समय अनुसार हम लोग भी वही में लीन हो जावा जाते है, और हम लोगों का भी ऐसा लागत है कि जैसे बड़ा अंदर से खुशी महसूस होते है, और खुशी के साथ साथ लागत है कि हाँ माता जी साथ हम लोगों के खड़ी हैं। तो यही भावना हो सकी, भावना के अनुसार जो जस कर पावत है वैसे करत है, और जो श्रद्धा भक्ति अपने यथाशक्ति अनुसार जब तक उनका करे इच्छा रहा थे वही माँ अपने आप का ढाल के करत भी है। बहुत जना के मन खीन रहा थे, हमरे थिर ई हो तो हम ही करित, हमरे थिर ऊ हो तो ई करित, लेकिन कोई बात नहीं, मन छोटा नहीं करा, मन छोटा ना करा जाए, मन के अंदर से श्रद्धा से आप जत्ते उनके भजन गीत संगीत करके आप उनके भावना से उनके माँ शरण में लीन रहा जाए, माता जी आपके ऊपर आशीर्वाद जरूर बनाए रखी है। और कहा नहीं सके, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं व्रत भैया हम तो 9 दिन के ना रह पेबे, बिना खाए तो रही ना पेबे, लेकिन जैसे जो कोई व्रत रहा थे तो कोई दूसरा कैसे रह जाते व्रत, भूख नहीं लगत है, ऐसा कुछ नहीं है। भूख अगर आप दिल से हृदय से अगर व्रत रखा जाइए तो भूख प्यास का कुछ एहसास ही नहीं होते कि हम खाना खाए हैं या नहीं खाए हैं। और कहे कि ईमा माँ के शक्ति रहा माता जी के शक्ति रहा थे, तो उन लोग जो है व्रत रहा थी 9 दिन के पूरे खले थे नहीं है ना सखी, हम लोग इनका कहा खले थे। और प्राय प्राय नवरात्र में महिला और पुरुष दोनों जना के व्रती में दिखाई पड़त है। अब महिला का थोड़ा का परेशानी हो जाती कि हर घर के बराबर हर काम, अब घर में कोई सदस्य व्रत है उपवास है कोई नहीं रहा थे, तो इसके कारण से थोड़ा काम काज ज़्यादा बढ़ जाता है, उधर पूजा पाठ भी रहा था, तो महिलाएं के थोड़ा डबल शक्ति लागे लागत है, परेशानी भी रहा था, लेकिन फिर भी
प्रत्येक घर में सवेरे जल्दी दिया जलत है, पूजा पाठ होते है, अगरबत्ती जलत है, ऐसे चीज घर घर से घंटी की आवाज भी सुनाई पड़े लागत है। तो ये नवरात्र नवरात्र के बातें दूसर रहा था कि हर घर में अगरबत्ती धूपन के महक महका करत है। तो सखी अब का किया जाए, बात तो रही ना हमारे लोग हाँ, तो और भी इतना अच्छा बात हाँ। और ऊपर से और बात निकलते जाते लेकिन टाइम जो है घड़ी के भगते जाते हैं, हम लोग इनके पाबंद में तो है नहीं, भगत जाते हैं लेकिन अब का करा जाए, तो सोचा जाने जाते कि हम हाँ। समय के अंदर रहा जाते है और समय के अंदर है फिर हम कलों का जाग भी पड़ा था हाँ। तो इसे पहले आपको सुनाए दे ना जाए, पहले आप सखी सुनेबे इतनी व्यापारी विश्राम की तरफ चला जाए, ये बात है आपका समय के बंधन, ये बात रहा हम समझ नहीं पा रहे सखी, जो समय बची हम सुनेबे ठीक है। तो चलो फिर व्यापारी विश्राम के बाद फिर गीत संगीत हम लोग सुनते रहा जाए। सखी हाँ सखी, अब आप अबे तो कहते रही हो हाँ। लेकिन अब समय आई गवा है, वही तो अभी गीत संगीत के साथ हम लोग का विदा लेके समय आई गवा हाँ, जरूर हाँ। तो संपूर्ण श्रोता आप लोगों का फिर से नवरात्रि माता जी का हार्दिक शुभकामना साथ है, आप लोगों का दशहरा का भी हार्दिक मंगल शुभकामना, घर में सुख समृद्धि ऐसे बास रहा है, ऐसे हमेशा खुश में रहा जाए और हम लोग के साथ ऐसे बरकरार रहा जाए, यही कामना के साथ है। आज के कार्यक्रम में हमने सखी अब कहे भूल गए रहें प्राथमिक माँ साथ दिया गा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, धन्यवाद आप लोगों का साथ दिया, दोनों फर्ज काम करत हैं। तो हमें सखी चंदा जी और हम सखी संध्या आप लोगों से विदा लिया जाते हैं, और हम सखी अच्छा हम सखी का भूल गया हमरे सखी कहा रहा, देखो सखी लास्ट लास्ट में श्रोता देखो कहीं ना आज ना कर भूल गयो का छोड़ के जाता हूँ, हमने सखी चंदा कह रहा है तो कोई दूसरा रहेगा, कहाँ कहे कहे रहे हो कह रहे बढ़ते हो, देखो सखी झूठ ना बोला, चलो ठीक है जो आप, भी आप बाद में सुन के आप पता कर लियो हाँ, कि हम कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं ठीक है हाँ। तो हम आप लोगों के सखी और हम अपने सखी के सखी हाँ। लिया जाते विदा हाँ भाई स्वीकार कर लियो स्वीकार विदा लिया जाते। तो आज के दिन जय माता दी, जय माता, जय श्री राम, जय श्री राम, शुभ दिन, शुभ दिन, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि आप लोगों का हार्दिक मंगल शुभकामना सहित नमस्कार, बाय बाय, बाय बाय।